Good morning dear students welcome to Jatin's Academy today in this class we are going to start with 7th chapter of class 8 ICSE chemistry that is hydrogen so let's get started फर्स्ट ऑफ ऑल वर हैविंग द बेसिक इंट्रोडक्शक्शक्शक्शक्शक्शन रिलेटेड टू द हाइड्रोजन सो इन 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 द बेसिक इंट्रोडक्शन वी आर हैविंग द सिपल मॉलिकुलर फार्मूला सो वॉट इज अ म मॉलिकूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द मॉलीकुलर फार्मूला हमें ये पता होना चाहिए कि इसका एलिमेंट्री मतलब जो सिंबल है वो क्या होता है ठीक है तो हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट नेम एच से कैपिटल एच से ठीक है इसका एलिमेंट का जो सिंबल है वो एच है कैपिटल एच इसको एलिमेंटल जो इसका फार्मूला है वो तो एच है जो इसका सिम्पल मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है एच टू ठीक है ये आपने लर्न रखना है कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला एच टू मतलब ये एक डायटामिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करके एक मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाया हुआ H2, है एच टू ठीक है ये डाएटोमिक मॉलिक्यूल है नेक्स्ट वी आर हैविंग अटोमिक आइडेंटिटी अटोमिक आइडेंटिटी क्या है वैसे हाइड्रोजन का जो अटोमिक नंबर है वो वन होता है हम पढ़ा ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जो हमने ये पूरी मतलब सीरीज पढ़ी हुई है वन टू तो ट्वेंटी तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है वेरी फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर कितना हो गया वन टॉमिक नंबर वन का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटोन भी वन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वन है ठीक है और इसका केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा कैपिटल एच सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाइड्रोजन डिस्कवरी जर्नी कि जो हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई है उसकी जर्नी कैसी थी कैसे कैसे हाइड्रोजन डिस्कवर हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिक्सटी सेवन बॉयल्स ऑब्जर्वेशन था बॉयल्स एक साइंटिस्ट का नेम है तो उसने क्या ऑब्जर्व किया उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग नोट की वो थिंग क्या थी उसने क्या किया डिलियोड एच सी एल लिया डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया ठीक है उसमें उसने आयरन फिलिंग्स डालनी स्टार्ट कर दी जब उसने आयरन को डल्यूट एच सी एल डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक आयरन क्लोराइड बन रहा था प्लस उसके साथ एक गैस इवॉल्व आउट हो रही थी ठीक है और उस गैस को वो कौन सी गैस बताया उसने कि वो हाइड्रोजन गैस है ठीक है देन सेवनटीन में क्या हुआ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हैंनरिक एम एक इंग्लिश साइंटिस्ट का नेम है उसने और मतलब ज़्यादा डीप स्टडी किया तो उसने ये क्रिएट किया कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है कि जब आप कोई भी मेटल को कोई नहीं मतलब सर्टेन मेटल्स को जब आप कोई भी मतलब एसिड में रिएक्ट करवाओगे ना तो एसिड में रिएक्ट करवाने के बाद एक मतलब कि गैस बाहर आएगी और गैस को हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन गैस है बट वो यहाँ तक नहीं रुका क्योंकि सिक्सटीन सेवेंटी वन में भी बॉयल्स ने ऐसे कुछ बोला था ना बट वो यहाँ तक नहीं रुका उसने ये भी बताया कि जो भी वो गैस बाहर आ रही जो हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसने वो उस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके उसका एक न्यू नेम दे दिया ठीक है उसको एक न्यू ब्रांड एलिमेंट दे दिया और उसने क्या नेम दिया उसको इनफ्लेमेबल एयर इनफ्लेमेबल एयर का मतलब क्या है कि ऐसी गैस जब वो एयर में जाएगी एयर में जाने के बाद वो बहुत जल्दी मतलब फायर को कैच कर लेगी ठीक है जब भी वो गैस बाहर आई रिएक्शन के बाद बाहर आने पे उसने एयर के साथ कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने पे उसको फायर इजीली लग गई ठीक है इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल एयर ठीक है नेक्स्ट आ गया 1783 में थ्री में तो एंटोनी पर एक साइंटिस्ट का नेम है फ्रेंच केमिस्ट था उसने फाइनली ये बोला कि जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इंट्रीग्यूनिंग गैस है इंट्रोग्यूनिंग गैस हाइड्रोजन क्यों बोला क्योंकि वाटर प्रोड्यूसर है मतलब हाइड्रोजन की हेल्प से क्या होगा कि वाटर प्रोड्यूस होता है वाटर की फॉर्मेशन होती है इसलिए उसको इंट्रोग्यूनिंग गैस बोलना स्टार्ट कर दिया हाइड्रोजन को तो इसके बाद ही 1783 एटी थ्री नेमिंग के बाद ही हाइड्रोजन को अपना जो भी नेम और फेम था वो मिला ठीक है नेक्स्ट वेर हैविंग अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन कि एक्चुअली एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन हमें कितना मिलता है कैसे मिलता है और कितना मिलता है ठीक है फर्स्ट वेर हैविंग अबंडेंट यूनिवर्सल एलिमेंट जो हाइड्रोजन है वो अबंडेंट है मतलब बहुत ज़्यादा जो हमें एटमोस्फेयर में यूनिवर्स में जो एलिमेंट मिलता है वो एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन एलिमेंट को ऐसा टाइटल मिल गया था कि सबसे अबंडेंट सबसे ज़्यादा जो हमें नेचर में यूनिवर्स में हमें जो एलिमेंट मिलता है वो कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट है नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्री स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो अकेला अर्थ पे नहीं हमें मिलता सिर्फ अर्थ अर्थ्य यूनिवर्स पर या ज़्यादा बंडन नहीं है हाइड्रोजन इसका जो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन हमें ये एयर में तो मिलता ही मिलता है चलो एटमोस्फेर में तो मिलता ही है ये सन में या नियरेस्ट स्टार्स में ठीक है इन सभी में भी कौन सा कौन सी चीज़ प्रेजेंट है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ठीक है जो मेनली स्टार्स और अदर मतलब सन वगैरह ना उसमें से हाइड्रोजन गैसेज को मिक्स करके उसकी जो इंटीरियर मेनली होता है ना इंटीरियर मेनली वो किससे बनाता है हाइड्रोजन का बनाता है सन एंड अदर स्टार्स का ठीक है नेक्स्ट वन हमें कंबाइंड स्टेट्स ऑन अर्थ वैसे तो फ्री स्टेट में भी हमें फाइंड आउट हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मिल जाता है किसी के साथ कंबाइंड नहीं बट कई बार जो होता है वो हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाता है हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बना लेते हैं जैसे हमने देखा होगा आपने कोई विटामिन होते हैं कोई एसिड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वाटर ठीक है ये सभी कुछ क्या होते हैं हाइड्रोजन के साथ कोई और एलिमेंट कंबाइन करके न्यू प्रोडक्ट न्यू कंपाउंड बना होता है ठीक है तो जो हाइड्रोजन है वो फ्री स्टेट में मिल जाता है और हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इट इज इन हैंड इन एवरीथिंग मतलब हाइड्रोजन फ्रीली स्टेट में भी है और दूसरों के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना के भी वो अपना रह सकता है ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन अभी हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे करते हैं तो हाइड्रोजन के सबसे पहले कौन कौन से सोर्सेस जहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल सकती है तो हाइड्रोजन एक वाइटल एलिमेंट है मतलब हमें बहुत वास्त ज्यादा मिलता है ये एलिमेंट तो मेनली मिलता कहाँ से है ये फाइंड आउट होता है अर्थ में अर्थ में कैसे मिलता है कोई एसिड्स में हाइड्रोजन होता है एल्कलीज में हाइड्रोजन होता है और पानी में हाइड्रोजन होता है ठीक है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना केमिकल रिएक्शन जैसे मान लो कि कोई मेटल में कोई एसिड को मिक्स कर दिया तो ऐसी चीज़ अगर आप मिक्स करोगे केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो केमिकल रिएक्शन करवाने में एक ऑफ मतलब गैस रिलीज होती है और वो गैस कौन सी होती है हाइड्रोजन गैस कभी भी आप अगर एक मेटल लोगे और मेटल को एसिड में रिएक्ट करवा दोगे ना तो मेटल को जब आप एसिड में रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि जो हायर जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज वाला एलिमेंट होता है वो लेस वाले को रिप्लेस करके एनएसीएल बना लेगा इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व आउट हो जाएगी ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट मैथड से क्या होगा केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बाहर आएगी तो इसमें हम प्रॉपरली रीड करेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो एसिड से हमें कैसे मिलता है बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड वैसे भी जो एसिड्स से हम एसिड्स को ऐड करते हैं ना कोई भी मेटल में तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करता है डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करने के बाद हाइड्रोजन गैस मतलब तो एटमोस्फेयर में इवॉल्व आउट होती है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है और मेरे पास यहाँ पे मेटल है मैग्नीशियम जब आप मैग्नीशियम को क्या करोगे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे ना मैग्नीशियम को डिल्यूड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि मोर एक्टिव एलिमेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिसप्लेसिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट तो एम जी एच टू को साइड कर देगा और क्या बन जाएगा एम जी एस ओ फोर खुद वो एम जी एस ओ फोर बन जाएगा और हाइड्रोजन को लेस रिएक्टिव जो मेटल उसको साइड करके क्या बना देगा हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी तो ऐसे एक डिस्प्लेसमेंट मेथड से केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलेगी हाइड्रोजन गैस मिलेगी नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप आयरन को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे तो इसमें भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को साइड कर देगा और क्या बना लेगा एफ टू और हाइड्रोजन गैस को साइड करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी बाहर आ जाएगी एटमोस्फियर में नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट करवाने का डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम आप वाटर और स्टीम को यूज़ करके क्या कर सकते हो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हो बाहर ले आ सकते हो कैसे अगर मैं कोई भी मेटल लूँ और मेटल को वाटर में रिएक्ट करवा दूँ ठीक है मेटल को अगर आप कोई भी मेटल ले सकते हो सोडियम ले सकते हो पोटाशियम कैल्शियम ठीक है कुछ भी ले लो उसको अगर आप पानी में रिएक्ट करवाओगे ना पानी में रिएक्ट करवाने के बाद वो क्या बनाएगा एन ए और यहाँ से ओ OH एच आ जाएगा तो एन एच एक तो बेस बनेगा प्लस उसमें साथ क्या होगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी ठीक है तो आप कोई भी मतलब वाटर एलिमेंट को यूज करके उसको पानी में या स्टीम में मिक्स करके क्या बना सकते हो तो बेस बन जाएगा और बेस के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी सेकेंड एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप पोटासियम को वाटर में ऐड कर रहे हो पोटाशियम और वाटर की रिएक्शन क्या होगी के ओए एक तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व आउट हो जाएगी सिमिलर रिएक्शन वी आर हैविंग कि अगर आप कैल्शियम को वाटर में ऐड करोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर देगा पर यह थोड़ा सा स्लो अक् होगा ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम इसका अदर एग्जाम्पल है रिएक्शन विद स्टीम पहले तो हमने रीड किया था कि जो पानी हम यूज़ करके उसमें मेटल डाल रहे तो उसमें क्या बना लेगा वो बेस बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर देगा ठीक है अभी हम रीड करेंगे कि अगर आप कोई भी मेटल लो और मेटल को वाटर में आपने ऐड करना है वाटर अभी कौन सा हो स्टीम वाला होगा स्टीम से ऐड करेंगे ठीक है अगर मैं कोई भी मेटल लूँ उसको स्टीम मतलब स्टीम से ऐड कर दूँ तो वो क्या बना लेगा एक तो ऑक्साइड बना लेगा एम जी ओ और हाइड्रोजन गैस को बाहर रिलीज आउट कर देगा ठीक है बट इसमें एक बात नोट करने वाली है कि कई ऐसे मेटल्स हो जैसे इस मेटल्स हमारे पास सोडियम पोटाशियम कैल्शियम ये सभी जो मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है और कई सर्टेन मेटल्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जिंक एल्युमिनियम आयरन ये ऐसे मेटल हैं जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द हाइड्रोजन गैस ठीक है मतलब कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं जो कुछ मेटल्स हैं जो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट करवाते हैं नेक्स्ट वन हैविंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कंसनट्रेटेड एल्कलीस कई बार क्या होता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जब वो कंसनट्रटेड एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं वो हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन मतलब हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एलिमेंट ले लिया जिंक क्योंकि जो जिंक है एल्यमिनियम ठीक है ये ऐसे एलिमेंट्स है ये ऐसे मेटल्स हैं जो मतलब कि क्या है एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाते हैं और मैंने यहाँ पे अल्कली ले लिया कोई भी लाइक एन ले लिया कोई अल्कली मतलब बेस जो बेसिस एडेड इन वाटर होते हैं तो मैंने जिंक को क्या किया के साथ रिएक्ट करवाया रिएक्ट करवाने के बाद क्या बनेगा वो न्यू प्रोडक्ट बना लेगा दैट इज ठीक है है आपको ये रिएक्शंस लर्न रखनी सच और साथ साथ क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा एटमोसफियर में ऐसे सिमिलरली हमारे पास अल्मीनियम के लिए अगर आप एल्मीनियम को एनएच में रिएक्ट करवाओगे तो और उसमें क्या होगा पानी ऐड करना होगा तो इसमें क्या बन जाएगा एनएल प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाएगा नेक्स्ट वन हैविंग लेबोट्री प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस की एक्चुअली हाइड्रोजन गैस लेबॉरटरीज में कैसे प्रिपेयर करते हैं ठीक है थीके? तो इसमें क्या होगा इसमें हमने एक ना फ्लास्क लेना है फ्लास्क के ऊपर ये दो होल मतलब स्टॉपर लगे होंगे ठीक है एक स्टॉपर में से आपने थीसल फनल डाल देनी है थीसल फनल ऐसी कुछ होती है और एक में आपने क्या करना है ऐसे डिलीवरी ट्यूब डाल देनी है ठीक है इसमें क्या होगा इसमें आपने जो फ्लास्क है फ्लास्क के अंदर थोड़े से ना जिंक ग्रेन्यूल्स डाल लेने हैं जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाल लेने हैं और ऊपर थीसल फनल से आपने क्या करना है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से नीचे डालना स्टार्ट कर देना है ठीक है जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप जिंक ग्रेन्यूल्स न्यूल्स पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना स्टार्ट करोगे ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएंगे हमने अभी रिएक्शन को रीड किया वो जिंक क्लोराइड बना लेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे ठीक है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप जिंक पर जाकर के मतलब मिक्स होगा तो उसमें क्या होगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होना शुरू हो जाएगी जब वो गैस इवॉल्व आउट होना शुरू होगी जो हमने ये डिलीवरी ट्यूब लगाई है इसमें गैस आएगी ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आ जाएगी इस जार में ठीक है इस जार में हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर्ड फनल रखा हुआ है ठीक है ये फनल में क्या होगा कि जो ये डिलीवरी ट्यूब में से यहाँ से गैस आ रही है वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो रही है ठीक है इट मीन्स क्या होगा कि हमने सिंपली एक जिंक रेन्यूल्स और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया रिएक्ट करवाने पर जो यहाँ गैस यहाँ पे इवॉल्व आउट हो रही है वो गैस कौन सी होगी हाइड्रोजन गैस जब आप पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे इसमें आप ऑब्जर्व क्या करोगे आप ऑब्जर्व करोगे कि ना वाइग्रस रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब थोड़ी सी आवाज आने स्टार्ट हो जाएगी और इसमें कलरलेस बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे गैस के बबल्स आने राइज अप होने स्टार्ट हो जाएंगे जिंक रि के सर्फेस में से इसका केमिकल रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब जिंक में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एड करोगे तो वो जिंक क्लोराइड बना लेगा प्लस क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट करेगा ठीक है नेक्स्ट वन हैविंग कलेक्शन ऑफ द गैस ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में आ जाता है कि कलेक्शन ऑफ गैस आप कैसे करते हो तो जो हाइड्रोजन गैस आपने कलेक्ट करनी

नहीं यूज करते वहां पे हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ वॉटर यूज करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लर्न रखना नेक्स्ट वेयर हैविंग सम प्रिकॉशंस रिलेटेड टू दिस प्रिकॉशंस क्या होगा कि जो हमारे पूरा ये फ्लास्क हमने लेना है पूरी चीज़ लेनी है अप्रेटर लेना है एयर टाइट होना चाहिए इसमें और एयर अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा ऐड नहीं होनी चाहिए ठीक है और जो भी हमारे पास यहाँ पे ओपन फ्लेम्स कोई होंगे उसको हमने अप्रेटर से दूर रखनी है क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा जल्दी मतलब फ्लेम को पकड़ लेता है ज़्यादा जल्दी बर्न हो जाता है इसमें जो भी हम गैस को कलेक्ट करें दूसरे अप्रेटर्स में वो गैस कलेक्ट तभी होगी जब ऑल इसमें से सारी जो एयर है वो रिमूवड आउट होगी मतलब देखना आपने पूरा पंप्ड आउट होना चाहिए पूरी एयर है तभी आप इसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर लिया वरना वो बर्न हो सकती है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर हैविंग वाई ग्रेलुएटेड जिंक इज प्रेफर्ड जो हमने लेबोटरी प्रेपरेशन रीड किया उसमें हमने जो मेटल यूज़ किया मैंने आपको बताया कि आपने मेटल में कोई भी एसिड को ऐड करना कोई मतलब हाइड्रोक्लोरिक वगैरह एसिड को ऐड करना है उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो इसमें हमने मेटल है जो जिंक ही क्यों यूज़ किया उसके मतलब छोटे छोड़ छोटे पीसेज ग्रेलुएटेड मतलब पीसीज ऑफ जिंक तो उसमें आपने जिंक के पीसेज ही क्यों यूज़ किए ठीक है क्यों यूज़ किए ध्यान से देखो फर्स्ट तो ये कैटेइट इफेक्ट कटेलाइटिक इफेक्ट क्या होगा कैटलाइट क्या होता है कैटेस्ट वो मतलब सब्सटांसेज होते हैं जो केमिकल रिएक्शन

वो दूसरे जार में आप इकट्ठा करी जाओ इसीलिए आप क्या प्रेफर करते हो जिंक प्रेफर करते हो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना जिंक ग्रेन्यूल्स क्योंकि उसमें कॉपर इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है उसकी वजह से हमें पता होता है कि जो भी हमने रिएक्शन करवाई है उसमें हाइड्रोजन गैस पक्का इवॉल्व आउट होगी ऐसी नहीं कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इवॉल्व आउट हो रही है कि नहीं ठीक है और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी बड़े प्रिडक्टेबल होते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमें ईजिली पता चल जाता है कि हाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो रही है और दूसरे कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग तो इलेक्ट्रॉलिस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कोई भी केमिकल चेंज होता है मतलब अगर कभी भी इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट को पास करो तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर जो भी केमिकल चेंज हमें ऑब्जर्व हो रही है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं ठीक है थीके? और इसमें मैं वर्ड यूज करूँ इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सबस्टांस जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने देता है वो सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं ठीक है और जो वो सोल्यूशन होते हैं वो सोल्यूशन में भी कोई मतलब वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कोई सबस्टांस होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोल्यूशन होंगे कोई लिक्विड होंगे ठीक है कोई एसिड्स हो सकते हैं बेस हो सकते हैं सोल्ट हो सकते हैं इनमें सभी में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो एसिड बेस सॉल्ट क्या बन जाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और वो पूरे प्रोसेस को जिसमें से अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलिस नेक्स्ट में हैविंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमें ये रीड किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आगे दो टाइप्स के होते हैं स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं वो सब्सटांस जो मतलब देखो अगर मेरे पास कोई भी सोल्यूशन है ठीक है सोल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल यहां पे एन का सोलूशन है मैंने पानी में नमक मिक्स किया हुआ है और मैंने ये सोल्ट वाटर में से क्या किया इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई ऐसे इलेक्ट्रॉड डाल के ना ऐसे मतलब कंडक्टर्स डाल के उसमें से क्या किया मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो इस सोल्यूशन में क्या इस सोल्यूशन में एन है ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे वो सबस्टांस जो कंप्लीटली डेसोसिएट हो जाएंगे जैसे एन ए सी एल कंप्लीटली एन पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आयन में प्रॉपरली डेसोसिएट हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूँ सल्फ्यूरिक एसिड ले लू सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ लू, ऐसे जो हमारे पास सल्यूशन होते हैं वो स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कंप्लीटली जो आयनस होते, है होते हैं ना एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव या एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एच पॉजिटिव एसो फोटू नेगेगेटिव ऐसे जो आयस होते हैं ना वो कम्पलीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए तो वो स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट होगा इन द अदर हैंड हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो सब जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली ना फ्लो हो और कम्प्लीटली ना फ्लो होने का मतलब क्या है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आइन्स में उसमें स्मॉल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है स्मॉल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाता है फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आइन्स में तो इसलिए हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम पास होता है सो नेक्स्ट टर्म इन द इलेक्ट्रॉलिस वी आर हैविंग अनइंस एंड कटाइन सो ध्यान से देखो अनाइंस और कटाइंस क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी सोलूशन ले लिया एच सल ले लिया ठीक है यहाँ पे एच सी एल है और एच सी एल में मैंने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी स्टार्ट की क्योंकि हमें पता जो एच सल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आइन्स में ब्रेक आउट ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है जो भी इसमें आयन्स बने ना एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव जो ये एच पॉजिटिव आयन है जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं उसको हम बोलते हैं कटाइन ठीक है जो पॉजिटिव वाले आयन्स होंगे उसको हम बोलेंगे कटाइन और जो सोल्यूशन में नेगेटिव वाले आयन्स होंगे उसको हम बोलेंगे एनआइन समझ आ गया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर दिया अगर तो वो एच पॉजिटिव अगर तो वो प्रॉपरली आइन्स में कन्वर्ट हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आइन्स में कन्वर्ट तो हो गई ठीक है तो एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो गया जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं और जो आइन हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसको हम एनाइन बोलते हैं और जो हम ये रॉड्स यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए कोई भी सोल्यूशन में इन रॉड्स को हम बोलते हैं जैसे ये एक रॉड होती है कैथोड की एक रॉड होती है कैथोड और एक रॉड होती है एनोड की ठीक है ये कंफ्यूज नहीं होना जो पॉजिटिव वाले आइन्स हैं वो कटाइन नेगेटिव वाले अनाइन ठीक है एक होती है रॉड कैथॉर्ड की एक होती है एनॉर्ड की जो कैथॉड होता है वो नेगेटिव चार्ज वाली रॉड होती है और जो एनॉर्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड होती है ठीक है इसमें क्या होगा जब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा ठीक है करंट प्रोड्यूस होने के बाद साथ ही जो हमने ये सोल्यूशन यूज़ किया में डेसोसिएशन होगी ना आइंस में ब्रेक डाउन करेगा तो जो हमने ये रॉड यूज़ किया ये रॉड एक एथॉड एक है, है, है एनॉड कैथॉड का चार्ज नेगेटिव होता है एनॉड का चार्ज पॉजिटिव होता है ठीक है, है? क्योंकि हमने अभी रीड किया कि सोल्यूशन में एच पॉजिटिव और सी नेगेटिव आइंस बने हैं तो देखो ऑब्वियस है कि जो जो हमारे पास ये H पॉजिटिव आयंस बने हैं H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस बने हैं ये हमेशा किसके पास जाएंगे नेगेटिव चार्ज के पास जाएंगे ये कैथोड के पास जाएंगे तो कटायन हमेशा कैथोड के पास जाते हैं और जो अनयन है वो हमेशा एनोड के पास जाते हैं समझ आ गया ना पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव जो एनायन है वो एनोड के पास जाएगा तो आप लर्न रख लो कटाइन पॉजिटिव अनायन नेगेटिव कैथोड नेगेटिव अनॉर्ड पॉजिटिव ठीक है और जो कटायन है वो कैथोड के, के पास जाएगा नेगेटिव चार्ज के पास और जो है वो एनोड के पास जाएगा और जो हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन है जब ये H पॉजिटिव कैथोड के, के पास जाएगा कैथोड के पास जाएगा तो कैथोड तो के पास जाने के पास वो क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज को अपने आप अप ले लेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ठीक है और कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है जब ये कटाइन कैथोड के पास जाएगा तो कैथोड के पास जाके वो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन और कंप्लीटली फुली फिल्ड बन जाएगा जैसे इससे मैं एग्जाम्पल लिए यहाँ पे सोडियम आयन की अगर मैं यहाँ पे एन ए सी एल भी ले लेती थी एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव तभी सेम बात ही थी एन ए पॉजिटिव इज कटाइन एंड सी एल नेगेटिव इज अन ठीक है तो ये कटाइन किया जाएगा कैथोड के पास क्योंकि कटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी वो कहाँ से पूरी करेगा कैथोड से यहाँ पे ठीक है जब वो कटाइन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कैथोड से तो प्रॉपर वो बन जाएगा एन ए सिमिलरली हम वी आर हावेंगे क्लोरीन क्लोरीन के पास क्या है सीएल नेगेटिव नेगेटिव मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो क्या करेगा लूज कर देगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन अनायन के पास जाके लूज कर देगा क्या बन जाएगा सिंपल क्लोरीन ओके नेक्स्ट हम वी आर हैविंग इक्ट्रॉड्स तो इलेक्ट्रॉड्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रॉड्स ये वाले होते हैं जो हमने रॉड्स डिप किए हैं सल्यूशन में तो ये डिवाइसेस है जो हम इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं ताजो कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से करवा सके एक होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज एक होता है इसमें नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज तक ऐसे मूव करेगा जब भी इक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे नेगेटिव लेके पॉजिटिव चार्ज तक यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ठीक है तो जो हम ये रॉड्स को डिप कर रहे हैं सल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं उन रॉड्स को हम बोलेंगे

नेक्स्ट न्यू टर्म वी आर हैविंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये एक नॉन कंडक्टिंग वेसल होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस करवाना है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब जो भी सेल में जो भी हम ये बीकर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉलिस ऑफ वाटर तो ऑफ वाटर एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू टू एच पॉजिटिव एंड ओ टू मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम अलग अलग करेंगे ठीक है कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉलिसीज़ ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे हम इसमें वाटर लेंगे और वाटर में हमें क्या करना है प्रॉपरली वो उसे इलेक्ट्रॉड्स डालने हैं इलेक्ट्रॉड्स डालोगे करंट पास करोगे तभी इलेक्ट्रॉसिस होगी ना तो इक्ट्रॉड्स मैंने डाल दिए ठीक है इलेक्ट्रॉड्स में देखो क्या होगा कि जो कैथोड है जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ठीक है जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे जो वाटर है वो एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइन्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा पानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आइंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है क्योंकि जो ये एच पॉजिटिव आइयस है ये किसके पास जाएंगे कैथोड के पास और ओएच नेगेटिव आइंस किसके पास जाएंगे एनोड के पास ठीक है जब ये एच पॉजिटिव एंड कैथोड के पास जाएंगे तो कैथोड के पास जाके वो क्या बना लेंगे हाइड्रोजन बना लेंगे और जब ओ एच नेगेटिव आइन्स इसके पास जाएंगे के पास तो इसके पास जाके क्या बनाएंगे ओटू गैस बना लेंगे तो ऐसे क्या होगा कि हमने वाटर की डेसोसिएशन की इलेक्ट्रोलिसिस से और इसमें क्या सेपरेट हो गया हाइड्रोजन गैस अलग सेपरेट होगी और ऑक्सीजन गैस अलग सेपरेट होगी नेक्स्ट वीर हैविंग क्लोराइड प्रेजेंस कभी कई बार क्या होता है ना कि जो पानी है पानी में क्लोरीन थोड़ा सा प्रेजेंट होता है तो क्लोरीन क्या क्या होगा जब इलेक्ट्रॉलिस करोगे ना तो इलेक्ट्रॉसिस करने पे जो क्लोरीन के आयंस प्रेजेंट होंगे इस पानी में वो भी ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑक्सीडाइज होने पर क्या बनाएंगे क्लोरीन गैस फॉर्म करना शुरू कर देंगे जब क्लोरीन गैस में वो कन्वर्ट होंगे कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बना लेंगे मतलब पानी में वैसे तो जब आप H2O को इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो H2 टू प्लस ओ गैस रिलीज होती है मतलब O2 मतलब बनता है इसको बैलेंस कर लेना ठीक है बट इसमें अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो क्लोरीन का एट लास्ट क्या बन जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपकी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिएक्शन कैसी होगी देखो जो हमारे पास के वाली मतलब रॉड होती है उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना तो उसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव आइंस एच पॉजिटिव आइंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनॉड वाली साइड क्या होगा कि जो पास ओवर नेगेटिव आइन्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस वाटर और इलेक्ट्रॉन्स क्या रिलीज आउट कर देंगे ठीक है तो आपने ये दोनों रिएक्शन याद रखने है, प्लस आपने ओवरऑल रिएक्शन याद, याद रखनी है कि एच टू गिवराइज टू एच टू प्लस ओ टू नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस हमने क्या करना है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करनी है फ्रॉम द नेचुरल गैस ठीक है इसको हम स्टीम रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग में क्या होगा ध्यान से देखो हमने क्या करनी है कोई भी एक नेचुरल गैस लेनी है मेनली हम इसमें नेचुरल गैस लेते हैं मिथेन ठीक है methane, मिथेन को हमने क्या करना है स्टीम में मिक्स करना है स्टीम में मतलब वाटर में मिक्स करना है अगर जब आप मिथेन को वाटर में मिक्स करोगे तो वाटर में मिक्स करने पर हमेशा हमें एक कैटलिस्ट यूज़ करना होता है कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं निकल यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द नेचुरल गैस उसमें हम निकल की कैटलिस्ट में यूज़ करते हैं निकल के कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि वो एस अ मतलब स्पीडअप करता है रिएक्शन को जब स्पीडअप होगी रिएक्शन तो जल्दी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ठीक है इसमें हमें क्या करना है हीट और प्रेशर भी प्रॉपर रखना होता है इसमें हमें हीट देनी होती है एट डिग्री सेल्सियस और प्रेशर देना होता है एट थर्टी एटमोसफेरिक प्रेशर ठीक है निकल की कैटलिस्ट में ये पूरी कंडीशन में जब आप मिथेन को स्टीम में रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बना लेगा वो बनाएगा सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड सी और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट करेगा ठीक है बाद में क्या करेगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड

नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग बॉश प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये बॉश प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें भी हम क्या मतलब करते, है? करते हैं इसमें हम हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व आउट करते हैं बट ए इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ये इंडस्ट्रीज के लेवल पे होता है ठीक है इसमें क्या होगा सबसे पहले क्या बनाते हैं वो वाटर गैस फॉर्मेशन सबसे पहले वाटर गैस बनाते हैं वाटर गैस क्या होता Carbon, है कार्बन मोनॉक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं तो वाटर गैस कैसे बनता ध्यान से देखो इसमें सबसे पहले तो सुपर हीटेड स्टीम लेते हैं और सुपर हीटेड स्टीम को किसके साथ मिक्स करते हैं कोक के साथ कोक मतलब कार्बन होती है ठीक है जब कार्बन को सुपर हीटेड स्टीम से मिक्स करते हैं यहां पे कार्बन आएगा जब कार्बन कोक मतलब सुपर हीटेड स्टीम से मिक्स करते हैं मिक्स करने पे हमने कितना टेम्परेचर देना है हमें टेम्परेचर देना है यहाँ पे थाउजेंड डिग्री सेल्सियस इतना हमें टेम्परेचर दे के फिर वो स्टीम को कोक के साथ रिएक्ट करवाना है कोक मतलब कार्बन होता है ठीक है और इसको हम एक स्पेशल ये स्पेशल फर्नेसिस में करवाते हैं स्पेशल फर्नेसिस को हम क्या बोलते हैं कन्वर्टर्स ऐसे नहीं है कि ऐसे बीकर में हो जाएगा ऐसे कुछ नहीं होता ये इंडस्ट्रियल लेवल में प्रॉपरली एक फर्नेसिस में प्रॉपरली काम होता है ठीक है इसमें क्या होगा कि जब कोक और स्टीम रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने पर वो क्या बना लेगा सी ओ जिसको हम वाटर गैस बोलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वाटर गैस का फॉर्मला क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इतना समझ आया ठीक है नेक्स्ट स्टेप वी आर हैविंग हाइड्रोजन बूस्ट तो हाइड्रोजन बूस्ट का मतलब हमें और अच्छे से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास ये वाटर गैस बनी है वाटर गैस को और स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना स्टार्ट करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड ठीक है क्रोमिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की हेल्प से करेंगे क्यों क्योंकि जो ये फेरिक ऑक्साइड है और क्रोमिक ऑक्साइड है ये एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे ठीक है और हमें टेम्परेचर देना फोर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखो कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना जो हम ये स्टीम यूज़ कर रहे हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्टीम की ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करके खुद क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी ठीक है ये एक्चुअली दो स्टेप का होता है दो स्टेप इसमें होते हैं फर्स्ट तो क्या सबसे पहले बनता है वाटर गैस बनता है फिर वाटर गैस के बाद क्या बनता है हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व होती है ठीक है तो इसको टू स्टेप में करने की क्या जरूरत पड़ी क्योंकि तो फर्स्ट स्टेप में भी तो हाइड्रोजन गैस बन ही रही है फिर सेकंड स्टेप करने की क्या जरूरत थी क्योंकि फर्स्ट स्टेप में है ना फर्स्ट स्टेप में पॉइजनस कार्बन मोनोक्साइड गैस बन रही है उस कार्बन मतलब हमें पॉइजनस गैस नहीं चाहिए हमें उस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करना था कार्बन डाइऑक्साइड में इसीलिए हमने ये टू स्टेप रिएक्शन रखी इसलिए बॉश प्रोसेस जो है वो टू स्टेप रिएक्शन है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो पॉइजनस गैस कार्बन मोनोक्साइड बन रही है वो काफी हार्मफुल होती है तो हमें वो हार्मफुल गैस नहीं चाहिए इसलिए हमें सेकंड स्टेप भी यूज़ करना पड़ा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट करवाने के लिए इन द बॉश प्रोसेस और इसी साथ साथ क्या होता है कि सेकंड स्टेप में डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो अगर तो टू बेनिफिट्स हो गए एक तो हमने क्या किया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो पॉइजनस थी उसको भी रिमूव कर दिया उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दिया और सेकेंड क्या होगा इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिल रही है वो डबल द अमाउंट ऑफ फर्स्ट स्टेप से मिल रही है फर्स्ट स्टेप में कम मिल रही थी मिल रही थी पर कम मिल रही थी बट सेकेंड स्टेप में क्या होगा उसको डबल अमाउंट मिल रहा है इसलिए हमें ये टू स्टेप बेनिफिट है इसका हमें नेक्स्ट स्टेप देखो सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या करना जो हमें सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी है क्योंकि हमें तो अकेले हाइड्रोजन गैस चाहिए हमें साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए इसको हमें सेपरेट कैसे करना है वो ध्यान से देखो तो हमारे पास ये मेथड है हाई प्रेशर वाटर डिजोल्यूशन इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी ये मिक्सचर बना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इसको हमने क्या करना है वाटर के साथ रिएक्ट करवाना जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाओगे अंडर हाई प्रेशर तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गए नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाएगी किस में कार्बॉनिक एसिड में बट जो हाइड्रोजन है वो पानी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता इसलिए वो क्या हमें अलग मतलब कलेक्ट कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर अलग बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट मेथड आपके पास कॉस्टिक पोटाश रिएक्शन तो कॉस्टिक पोटाश रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को आप रिएक्ट करवाओगे कॉस्टिक पोटाश दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से तो वो न्यू प्रोडक्ट बना लेगा कौ, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा वो कि जो कॉस्टिक पोटाश है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो तो बना लेगा एक के टू सी ओ थ्री दट इज पोटाशियम कार्बोनेट ठीक है और हाइड्रोजन गैस अलग कलेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो के ओ एच के साथ रिएक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट वेर हैविंग सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी हमने हाइड्रोजन गैस को हमें इवॉल्व आउट करवाया विद द बॉश प्रोसेस इस हाइड्रोजन गैस में थोड़े थोड़े कंटेंट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के हमेशा ये होते हैं इसको हमें रिमूव करने के लिए टू स्टेप यूज करने हैं फर्स्ट वी आर हैविंग अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड सोल्यूशन इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस इसको हम ऐड करवाएंगे अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड सल्यूशन में वो क्या करेगा जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी मिक्सचर में उसको वो अब्सार्ब कर लेगा ठीक है बाद में होगा ड्राइंग हाइड्रोजन फाइनली हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन गैस हमने इसमें निकाल ली है उसको हमें ड्राई आउट करना स्टार्ट कर देना किस में आउट करेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सी ए सी एल टू में या हम फॉसफोरस पेंटाक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं तो फॉसफोरस पेंटॉक्साइड यूज़ कर लो भले आप कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर लो इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो हाइड्रोजन गैस को ड्राई आउट कर सकते हो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने रीड करनी है फर्स्ट वी आर हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल मतलब देखने पे कैसी होती है हाइड्रोजन वो हमने रीड करना है तो हाइड्रोजन क्या होती है हाइड्रोजन एक कलरलेस जिसका कोई कलर नहीं है ऑर्डरलेस जिसका कोई स्मेल नहीं है नॉन पॉइजनस ज़्यादा वो पॉइजनस नहीं है मतलब पॉइजनस है ही नहीं टॉक्सिक है ही नहीं एंड टेस्टलेस गैस है ठीक है ये गुड कंडक्टर होती है हीट की हाइड्रोजन होती है वो लाइटर होती है एयर से भी एयर से भी ज्यादा लाइट होती है हाइड्रोजन और जो होता है वो ईजिल हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्राम द वन बीकर टू द अदर बीकर एंड दिस प्रेंगलिस सोलबिन वॉटर थोड़ी बहुत सॉलिबल होती है वॉटर में नेक्स्ट वील हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट वील हैविंग एक्शन विद लिटमस जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल मतलब ना ही तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है ठीक है वो न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर पे मतलब वो ना अपना ब्लू लिटमस रेड में चेंज कर लेगा और ना ही रेड लिटमस ब्लू में चेंज होगा हाइड्रोजन गैस से ठीक है नेक्स्ट आ गया कंबस्टिबिलिटी कम्बस्टिबिलिटी मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो कम्बस्टिबिल है मतलब ये क्या करेगा वैसे तो ये कंबशन सपोर्ट नहीं करता वैसे तो ये कोई भी फायर लगवा लगाने में हेल्पफुल नहीं है बट अगर उसको हमें हाइड्रोजन को बर्न करना है तो हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न

नेक्स्ट विल हैविंग एक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो क्या करेगा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना अगर उसको आप हाइड्रोजन में ऐड कर दोगे तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन में ऐड होने के बाद वो क्या क्या बना लेंगे वो एक तो वाटर फॉर्म करेंगे और साथ साथ में क्या बनाएंगे वो मेटल्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स बना लेंगे नेक्स्ट वेन हैविंग चॉइस ऑफ डिलूट एसिड्स अदर देन डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने क्या रीड किया हमने रीड किया कि अगर आप कोई भी मेटल को अगर आप मेटल को रिएक्ट करवाओ हाइड्रोजन गैस से तो वो क्या बना लेंगे एक तो वो क्या बनाएंगे सॉल्ट बना लेंगे और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर देंगे ठीक है अगर मैंने मैग्नीशियम को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एड किया तो वो क्या बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड डेट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर देगा अगर मैंने सिमिलरली जिंक ले लिया जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में एड किया तो उसने क्या किया उसके सॉल्ट बना लिया और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर ठीक है अगर आप एग्जांपल ले लो अगर मैंने अल्मीनियम ले लिया तो को HCL अल्मीनियम को एच सी एल में को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करो तो वो सॉल्ट और क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर देंगे ठीक है जो ये सोडियम पोटाशियम कैल्शियम ये सभी मतलब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ये सभी मतलब एसिड्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे बट ये रिएक्शन ना काफ़ी एक्सप्लोजिव होती है काफी मतलब इसमें हीट इवॉल्व आउट होती है तो इसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती बट जो नाइट्रिक एसिड होता है ना नाइट्रिक एसिड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हाइड्रोजन को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट करवा देगा अगर वो क्या वाटर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे एच बन गया फॉर एक्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया कि कोई भी मेटल ले लिया और, और मैंने मेटल को क्या किया नाइट्रिक एसिड से मतलब रिएक्ट करवा दिया नाइट्रिक से रिएक्ट करवाने के बाद उसने हाइड्रोजन की जगह हाइड वाटर बना दिया तो मेरे को वाटर चाहिए नहीं मेरे को चाहिए यहां पे हाइड्रोजन है इसलिए वो क्या होता है कि हमें रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हम रिएक्शन मेनली किसमें करते हैं डिल्यूट एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्योरिक एसिड ऐसे एसिड्स रे, में रिएक्शन को करवाते हैं ठीक है थीके? सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लेड कांट मेक हाइड्रोजन विद डिल्यूट एसिड जैसे हमने रीड कि क्या करते हैं है? है, बट जो मेटल्स है ना, में ऐसा है कि वो कभी भी करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस क्रिएट नहीं करेगा ठीक सब so है सबसे पहले देखो लेड रिएक्ट सो लेड कैसे रिएक्ट करते हैं जब लेड को हम यूज करते हैं डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब वो रिएक्ट तो करता है मतलब जब लेड पीबी रिएक्ट करता है एच सी एल के साथ या जब पीबी लेड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन तो हो जाती है पर रिएक्शन होने पे प्रोडक्ट क्या बनता है प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा जब एच के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा PbCl2 और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा लेड सल्फेट ठीक है अब देखो कि जो हमारे ये लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट बना ये क्या करेंगे जो जो ये कोटिंग्स बन रही है ये कोटिंग्स से करेंगे फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें फर्दर एट लास्ट तो हाइड्रोजन गैस चाहिए ना और जो ये कोटिंग्स बन रही है लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट की ये कोटिंग्स क्या करेंगे फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देंगी इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस अगर कभी हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाई जैसे हमने मेटल को कोई भी मतलब एसिड में रिएक्ट करवाया तो एसिड में रिएक्ट करने के बाद एक गैस इवॉल्व आउट होती है हमें चेक करना है कि जो वो गैस इवॉल्व आउट हुई है वो गैस हाइड्रोजन है कि नहीं ठीक है हमें क्या करना है हमें एक बर्निंग कैंडल लेनी है और बर्निंग कैंडल को जार में रख देना है ठीक है जो जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी उस जार में रख दो अगर तो वो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश होगी मतलब बंद होगी वो बर्निंग कैंडल तो वो जो गैस होगी वो हाइड्रोजन होगी अदरवाइज नहीं ठीक है जो प्योर हाइड्रोजन गैस होती है जो प्योर हाइड्रोजन होती है जब के पास आप लेके जाते हो ना बर्निंग कैंडल को तो प्योर हाइड्रोजन ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है ठीक है और जब एयर और हाइड्रोजन बर्न होते हैं तो बर्न होने पर वो क्या करते हैं पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होकर वो वाटर फॉर्म करते हैं अगर कभी भी वाटर फॉर्म हो जाए उसके बाद तो मतलब क्या होगा कि जो गैस वो बाहर आ रही है वो गैस कौन सी होगी हाइड्रोजन गैस ठीक है और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो आप क्या करो हाइड्रोजन को आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करवा दो अगर तो वो क्या करेगा ब्लू वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस ही होगी अगर वो ब्लू वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी वो गैस तो वो क्या होगी हाइड्रोजन गैस नहीं होगी नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइंड हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं ठीक है जो हमारे जो वेरियस केमिकल प्रोसेस होते हैं डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं मतलब केमिस्ट्री लाइफ में यूज होते हैं उसमें मेनली हम क्या करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करते हैं सो नाउ वी आर हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अभी ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब क्या करेगा ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को अपने आप में से लूज कर

ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा होगा ठीक है जो सब्सटेंस किसी दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कोई भी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है सीयू ओ प्लस हाइड्रोजन अगर मैं कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड कर दू तो वो क्या बना लेगा सी यू प्लस एच टू ओ बना कॉपर ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है कॉपर ऑक्साइड ने अपने आप में से ऑक्सीजन लूज कर दी अपने आप में से ऑक्सीजन लूज करके हाइड्रोजन को दे दी हाइड्रोजन को दे रहा है कोई भी सबस्टांस जो सबस्टांस दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो वो सबस्टांस को मैं बोलूंगी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सीयू ओ क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली वी हैविंग रिडक्शन तो रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के इसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या था कि ऑक्सीजन गेन होती है बट रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होती है और हाइड्रोजन का गेन होता है ठीक है इसमें आप ऐसे भी समझा सकते हो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि जो सब्सटांस दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट है विद एग्जांपल समझते हैं क्या होता है लाइक फर्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगर आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में एड करोगे तो इसमें में क्या होगा देखो जो ऑक्स कॉपर ऑक्साइड है सीयूओ है सीयू ओ में देखो ओ जो है वो रिमूव हो रहा है सीयू से ठीक है इसने क्या किया सीयूओ ने ओ अपनी क्या की हाइड्रोजन को दे दी और हाइड्रोजन को देने के बाद वो क्या बन गया वाटर बन गया ठीक है क्योंकि सीयू ओ अपनी ऑक्सीजन एच टू को दे रहा है तो वो अपनी ऑक्सीजन दे रहा है ना किसी को अगर अपनी ऑक्सीजन किसी को दे रहा है तो ये कौन सा होगा ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कोई भी सबस्टांस जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना खुद उसकी क्या होगी खुद उसकी रिडक्शन होगी रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखो CEO में ओ रिड्यूज हो होना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन तो सीयू ओ की खुद की तो रिडक्शन होगी जिस substance की रिडक्शन हो जाएगी उस सबस्टांस को हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस सबस्टांस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना जिस सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड होगा ऐड होने का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है ना और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन जिस सब्सटांस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो सब्सटांस को वो

इसमें क्या होगा कि देखो कॉपर ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट के वो सिंपल कॉपर रह रहा है ऑक्सीजन हट गई हट मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन तो सीयूओ में रिडक्शन हुआ सीईओ में रिडक्शन हुआ मतलब सीयूओ क्या एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा क्या एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि H2 में ऑक्सीजन ऐड हुई है ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या होगा कि H2 में क्या हो जाएगा ऐड होना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का उल्टा आप क्या लिखोगे मतलब एच टू के रिड्यूसिंग एजेंट एच टू क्या जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग रिडॉक्स रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है साथ साथ में रिडक्शन भी हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है उस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है जिसमें एक पूरी रिएक्शन में एक सब्सटांस रिडक्शन शो करेगा और एक सब्सटांस ऑक्सीडेशन शो करेगा उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है रिडॉक्स रिएक्शन जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को आप रिएक्ट करवाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो वो मैंगनीज क्लोराइड क्लोरीन गैस और क्वार्टर फॉर्म करेगा ठीक है देखो द आंसर इसमें क्या होगा MnO2 था मैंगनीज ऑक्साइड था ऑक्सीजन हट के यहाँ पे क्लोरीन आ गया ना ऑक्सीजन हट गया रिमूव हो गया रिमूव मतलब रिडक्शन अगर रिमूव हो गया यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है देखो यहाँ पे HCl था HCl में क्लोरीन मतलब रिमूव हो के ऑक्सीजन आ गई ना तो यहाँ पे क्लोरीन रिमूव होगी हाइड्रोजन आ गई ना अगर हाइड्रोजन आ गई मतलब ऐड होगी इसमें यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ठीक है देखो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है ये क्या होगा एम एन ओ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि यहाँ पे एच सी एल में क्या हो रहा है एच सी एल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एच सी एल क्या जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऐड होने का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन अब ये हाइड्रोजन प्रैक्टिकली अपने आसपास हमारी एप्लीकेशंस क्या है वो हमने रीड करनी है सबसे पहले क्या है जो हाइड्रोजन गैस है वो बलूस में यूज होती है ठीक है काफी ज्यादा जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है वो बलूनस को फुलाने में और एयर शिप्स में भी यूज होता है ठीक है नेक्स्ट वी हैविंग कटिंग एंड वेल्डिंग जो हाइड्रोजन है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स की मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम से हम क्या करते हैं कटिंग और जो भी वेल्डिंग करनी होती है मेटल्स की उसकी वेल्डिंग वगैरह करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है जब कभी भी वनस्पति घी बनता है तो भी हाइड्रोजन की हेल्प से बनता है ठीक है वो कैसे बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी नेक्स्ट में हैविंग केमिकल प्रोडक्शन तो केमिकल प्रोडक्शन में क्या है कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करवाने केमिकल्स की जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनिया इन सभी की प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें हाइड्रोजन गैस की जरूरत होती है ठीक है नेक्स्ट में हैविंग मेटल प्रोडक्शन अगर कभी भी कोई सर्टेन मेटल्स को या उसके ऑक्साइड्स को हमें बाहर निकालना तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है हाइड्रोजन का यूज़ करना होता है क्यों क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करके वो क्या करता है मेटल्स को उसके ऑक्साइड से बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है नेक्स्ट एप्लीकेशन वी आर हैविंग रॉकेट फ्यूल जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है वो एज अ रॉकेट फ्यूल हम यूज़ करते हैं काफ़ी रॉकेट्स में नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स का मतलब क्या है कि हमें जो वनस्पति घी बनाते हैं ना वनस्पति घी के प्रोसेस को बनाने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ करते हैं इसको हम पूरा बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स इसका प्रोसेस देखो जो वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि ग्राउंड नट कॉटन सीड कोकोनट ऑयल ठीक है इन सभी को हम क्या करते हैं सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन ठीक है इसमें क्या करना होता है कि हमें ऑयल लेना होता है और उस ऑयल को वन डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जो हमने इसमें पूरी रिएक्शन में ल यूज करना है एज अ कैटलिस्ट तो निकल क्या करेगा उस कैटलिस्ट में मतलब कैटलिस्ट क्या करेगा उस पूरी रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा उसके बाद हमने क्या करना जब हमने क्या किया ऑयल को वन डिग्री सेल्सियस पे हीट करना स्टार्ट कर दिया एज अ निकल इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तब क्या होगा उसमें हमें हाइड्रोजन को पास करवाना है ठीक है उस सॉइल में से हमें हाइड्रोजन को पास करवाना है और हमें एक कंडीशन देनी होगी कंडीशन क्या कि हमें फाइव एटमोस्फेरिक प्रेशर पर ही उस मतलब हाइड्रोजन को पास करवाना है ठीक तो है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा जब आप पूरी रिएक्शन को कूल करना स्टार्ट कर दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा सॉलिड फैट की फॉर्म में प्रोडक्ट बनेगा जो वो सॉलिड फैट बनेगा वो सॉलिड फैट हम वेरियस फूड प्रोडक्शन में वेरियस फूड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको हम खा सकते हैं ठीक है उसको हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्या पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ क्या है इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है इसका नाम क्या होगा कैटलेटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल वाई क्योंकि हम इसमें निकल यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट और इसमें क्या कर रहे हैं ऑयल्स को हम हीट करके उसको सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है तो सॉलिड फैट्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल्स थे वेजिटेबल ऑयल्स हमने क्या कन्वर्ट कर दिया थ्रू हाइड्रोजिनेशन हमने उसको सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर दिया जब उसके बाद हम क्या करते हैं जैसे घी वगैरह बन जाएगा तो उसके हम, उसको हम कुकिंग और फूड प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच